और ये देखिए ऊपर सबसे जो ऊपर दिख रहे हैं वो है हनुमान धारा, ये बिल्कुल ऊपर। मामा जी मामी बच्चे सब आगे गए, दोनों तरफ मार्केट लगा हुआ है, थोड़ी सी धूप शांत हुई है नहीं तो ऐसे ही। हेलो एवरीवन, हेलो, कैसे आप सभी? वी होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मगर हम बढ़िया नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम सीढ़ियां इतनी चढ़ चुके हैं ना, कितनी हुई है अभी? 300-400 हुई है, 400 700 है, आधे पे आ गए हैं। और कितने ही ऊपर आए हैं आप इधर से देख सकते हैं, हम आए हैं हनुमान धारा, कितनी ऊपर आए हैं। और यहाँ पे क्या है कि बजरंगबली का ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। बजरंगबली का मंदिर है जहाँ पर उनको रामचंद्र जी ने तीर से ठंडा किया था, उनको ज्यादा ज्वाला हो गई थी, तपन हो गया था और वो उनको उनकी तपन शांत हो गई थी। तीर तो, से ठंडा नहीं किया था, तीर मारा था पहाड़ में और वहाँ से पानी, तो हाँ पानी पानी निकलने लगा, सट ही आ गए हम गर्मी से, गर्मी से हालत आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल है ना, आवाज की भी और हमारी भी। हाँ जा तो हम ट्रॉली से नहीं सकते थे यहाँ, मगर गए नहीं, इस वजह से नहीं गए कि कुछ मेहनत का फल कहते हैं ना, मीठा होता है, मेहनत कर लेते हैं भगवान, पैसे लेते रहते हैं आज 2 साल से बैठे दे लेते हैं, 2 साल से बैठे हुए हैं, कुछ मेहनत तो करें, तो इसीलिए चलते हैं हमारे साथ आगे से भी। और ये देखिए कितना ही ऊपर हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे ये बच्चा पानी पिला रहा था और ये यहाँ पे छोटा सा विश्राम घर बना हुआ है, यहाँ पे छोटी मामी जी विश्राम कर रही हैं और बड़ी मामी कर चुकी है। सबकी हालत खराब हो रही है, 400 सीरियस चढ़ चुके हैं हम लोग, सबकी हालत खराब है, टाइट इतनी ऊपर आ चुके हैं हम लोग, पूरा चित्रकूट यहाँ से दिख रहा है। अभी थोड़ी सी बारिश भी हुई थी लेकिन सब बंद हो गया, हवा भी तक बंद हो गई। बोलिए बजरंगबली की जय। हम आ गए हैं ऊपर, ये रहे बजरंगबली और ये जो देख रहे हैं ना पीछे, ये धारा है, कहाँ से आ रही है कुछ पता नहीं, नॉन स्टॉप ही आती रहती है। यहीं पे है बजरंगबली का स्वरूप, यहाँ इनकी जो है ना वेग तप वो जो था तपन वो शांत हो गया था जब राम जी ने बाण चलाया था तो, है ना। और यहाँ पे हम लोग आए हैं कितनी ही ऊपर चढ़ के, मामी जी यहाँ बैठे हैं, मामा जी इधर, लग नहीं रहा था कि आप आएंगे, ये देखिए 650 सीढ़ियों से आए हैं। और हम लोग वापस आ रहे हैं यहाँ पे बजरंगबली के दर्शन करके। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यही जो कुंड है ना ऊपर से यहाँ पे पानी देखिए गिर रहा है, ये पानी का पता नहीं है, वहाँ से यहाँ पे उसे स्टोर करके लाया जाता है ना गुड्डू, तो ये रहा। और हमने दर्शन वगैरह सब कर लिए हैं, बहुत अच्छे से हो गया है, आप देख सकते हैं गर्मी कितनी हो रही है और ये देखिए कितने ही ऊपर हम आके दर्शन कर रहे हैं बजरंगबली के। तो बजरंगबली सभी पे प्रसन्न हो, सभी को स्वास्थ्य अच्छा दे कि उनके दर्शन करने आए हैं ना, इतनी सीढ़ियां चढ़ के आ इतनी। और बजरंगबली थोड़ा ध्यान रखिए, नेक्स्ट टाइम ऐसा काम नहीं करना जो नहीं, अच्छे मौसम में हम आएंगे तो बिल्कुल थकान नहीं होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि बजरंगबली की वजह से, उनके प्रताप से ही इतने सारे लोग जो है ना वो यहाँ पे इतनी सीढ़ियाँ चढ़ पाते हैं, अदरवाइज मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग इतना ज्यादा ऊपर आ पाते। सच में बहुत ऊपर है और गर्मी बहुत है ना, गर्मी से फील हो रहा है, परेशान है। तो मिलते हैं नीचे अपने रास्ते का। और अब आ चुके सीता कुंड, आ चुके हैं जानकी कुंड, यहाँ से बहुत नीचे है वो, देखिए वहाँ जा रहे हैं मामा ठाकुर, ये इसी कुंड में सीता जी आती थी नहाने, नहाने सीता जी बहुत घूमती थी इधर उधर,
आज यही हम पता कर रहे हैं कि सीता जी कहाँ जाती थी। सीता जी कहाँ बोलिए, कहाँ खाना जनक नंदनी जनक नंदनी सीता भैया की जय। फिर से सीढ़ी, अगेन सीढ़ी। पता नहीं कितना लंबा व्लॉग होने वाला है मगर एंजॉय करिए गाइस। गाइस बहुत मेहनत किया दीदी ने, गाइस बहुत मेहनत किया है दीदी। बुढ़े होने के बाद भी आप लोग को, आप लोगों देख रहे हो रही है। ये बंदी बना के दो दो मुझे ले आई है, चलना फिरना नहीं हो रहा है। कंधे में बंदूक रखी दीदी, चलो आपको घुमा के लाते हैं। नहीं सच में इतनी तबीयत, पैरों में इतनी सूजन है, उसके बावजूद भी हमने 750 सीढ़ियां करी है दीदी के। बहुत ज्यादा है हमारी, थोड़ी बहुत है, साढ़े गाड़ी में इतने घंटे बैठने की वजह से पैर हो गए इतने मोटे मोटे मोटे, चप्पलें नहीं घुस रही है। लेकिन कोई ये चल रहे हैं तो इसके लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। और हम गुप्त गोदावरी भी जाएंगे, याद आ गई मुझे गुप्त गोदावरी कुंड में देखते हैं। बहुत ही सुंदर है दीदी, लाइक कैमरा करके दिखाओ, बहुत सुंदर लग रहा है। सुन ले डायलॉग छोटी मामी का क्या दिखाऊंगी, छोटी मामी गुंडी जिन नौ पे चल रहे हैं हम, कहीं सीता माता मुझ में ही ना समा जाए। नहीं सीता माता जैसा कोई नहीं हो सकता, इतनी त्याग तपस्या बहुत ज्यादा। और ये देखिए हम आ चुके हैं जानकी कुंड, यहाँ पे जानकी माँ के पैरों के निशान अभी तक हैं। बोलिए सीता मैया की जय। यहाँ पे बहुत ही अच्छा, आपको मैं व्यू दिखाती हूँ, ये देखिए थोड़ी व्यवस्था की कमी है मगर हो जाएगी, सब सही हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ देखिए हाय हेलो तो कर देखो कुछ दीदी। नहीं बेटा, और यहाँ से हम निकल रहे हैं। सीता जी ने हमें ये शिक्षा दी है कि हम चाहे राजमहल में जन्मे लेकिन जो हमारे कर्म हैं, जैसे माँ बाप चाहें आप वैसा करिए, और हर स्थिति में अपने आप को मजबूत रखिए। रावण छू नहीं पाया था उन्हें, एक तिनके से अलग कर दिया था उन्होंने, इतनी शक्ति थी मेरी जगत जननी माँ सीता में। और कुंड को हम दिखा चुके हैं जहाँ वो स्नान करती थी, अब चलते हैं नेक्स्ट, मिलते हैं वहीं पे। अथी छथिन गोवर्धन जी, तहिना अथ कामत गिरी छथिन और राम जी के अथी अथी सुने छी ना सब अथी राम जी के स्वरूप, राम जी के स्वरूप, राम जी के स्वरूप है यहाँ पे। जैसे गोवर्धन पर्वत है उसी तरह से कामतगिरी और कामतानाथ जो कि राम जी है, जो कि राम जी के स्वरूप है, राम जी के स्वरूप है, है ना। अब हम वहाँ जा रहे हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये मार्केट है पीछे, गाड़ी हमारी बहुत पीछे है और हम लोग पैदल चल रहे हैं, बच्चे थक चुके हैं बिल्कुल। ये देखो हमारा पार्टी थक गया है। और आ चुके हैं हम कामतानाथ महाराज जी के दरबार। और यही है कामतगिरी महाराज, कामतगिरी पर्वत। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारे साथ, हम लोगों के थ्रू। और इन्हीं के बगल में है राम जानकी, ये देखिए।
जो कि अभी बंद है। और देखिए हम पहुंच चुके हैं गुप्त गोदावरी। कितना ही अच्छा व्यू है यहाँ पे, पहाड़ी है, गुफाएं हैं यहाँ पे, इतनी सारी गुफाएं हैं, रहस्य होंगे। तो रहस्य बहुत सारे हैं। गुफा तो जो अभी तक ढूंढ के निकाली गई है वो गुप्त गोदावरी की दो गुफाएं ही हैं, बाकी तो दुनिया भर के। और यहाँ पहले सबसे पहले टिकट लिया जा रहा है, टिकट लिया जाएगा, इसके बाद गुफा में जाया जाएगा। हम लोग आ चुके हैं गुप्त गोदावरी की गुफाओं में एंट्री करते हुए। गुफा पहाड़ों पे कैसे है चलने। यही है वो धारा गोदावरी जो कहाँ से आ रही है हमें कुछ पता नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। साइंस फेल हो गया, इंजीनियर फेल हो गए, और कोई नहीं पता लगाया, क्योंकि वो चुपके से आ गई थी सीता जी को स्नान कराने, जब सीता जी चित्रकूट से वापस यहाँ पे आई थी लौटते वक्त, तो उन्होंने गोदावरी माता ने उनको स्नान करवाया। बहुत बढ़िया, इधर देखिए सभी गुप्त गोदावरी के गुफा के दर्शन। जय श्री राम, जय श्री राम, पहुंच चुके हैं हम लोग गुप्त गोदावरी की पहली गुफा में। ये देखिए कितनी ही संकरी गुफा है, ये देखिए बहुत ही संकरी गुफा है, और अंदर देखिए कितना ही ठंडा माहौल। पहले यहाँ पे पंखे वंखे नहीं लगे रहते थे, अब पूरा पंखे वंखे लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर। ये है गुफा, यहाँ बहती भी तो थी ना। कैसा लग रहा है गुफा में? बहुत अच्छा, बहुत मुश्किल है, भगवान का चमत्कार है बिल्कुल। और ये साक्षात भगवान ने ही इनको इसको बनाया है, रहे हैं, आशीर्वाद है, तो कैसे ही कुछ भी हो सकता है। जहाँ कहते नहीं है ये है गोदावरी, गुप्त गोदावरी। आप भी हमारे साथ, मेरा तो गला बैठ गया, दर्शन करिए गुप्त गोदावरी के। ऐसा यही कुंड है जहाँ पर सीता माता स्नान करती थी। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं दूसरी गुफा, बिल्कुल दूसरी गुफा में जा रहे हैं। बता गुफा, दूसरी गुफा क्या है? दूसरी गुफा भी गुप्त गोदावरी की गुफा है, वहाँ पे बहुत सुंदर नदी सी बहती रहती है हमेशा, बहुत सुंदर जल है, बहुत शीतल। अच्छा, ये मामा जी जो है ना हमारे गाइड है, सारी इन्फॉर्मेशन ले। मैंने पहले ट्रेवल किया हुआ है यहाँ पे, पहले दर्शन किए हुए थे मम्मी पापा के साथ, है ना, मम्मी पापा को लेके आया हुआ है। अब हम लोग बाहर निकल, और अब हम आ गए हैं इस वाली गुफा में। देखिए कितना पानी है, और आप देख सकते हैं कि कहा कितनी ही भयानक गुफा है ये, और कितनी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। क्यों आना दोबारा? यही से चलो।
चलो चलो कोई नहीं चलो कितना आगे तुम लोग रहो ना हम मैं यही रहो तुम लोग मैं जल्दी और गुफा से निकल के हम आ गए हैं बाहर। चलो भाई चलिए चलिए आगे पूरे कपड़े गीले हैं सभी के सब गीले हो चुके हैं। चाची और मैं बच गए। चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जरूर 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 करिए लाइक करिए शेयर करिए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि जिनको अगर हम लोग ये तीर्थ दिखाएंगे थोड़ा बहुत हमें भी पुण्य मिल जाएगा हमें भी मिलेगा तो इसीलिए जरूर करिए आप लोग शेयर खूब शेयर और आपको भी मिलेगा पुण्य जो भी शेयर करेगा उसको भी पुण्य मिलेगा है ना। और जब तक हम लोग आए हैं अंदर गुफा से यहाँ गोदावरी माता की जो है आरती हो गई है ये देखिए यहाँ पे गोदावरी माता बहती हुई और हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पे दर्शन करके गोदावरी के और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एंड नहीं कर पा रही हूँ मैं बहुत दिनों से हर ब्लॉग को एंड करना भूल जाती हूँ क्योंकि पता नहीं हम बिजी ही हो जाते हैं है ना। अच्छा लगा हो ये देखिए मार्केट भी है। अगर ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और हमारे साथ जुड़े रहिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स और ये तीर्थ करने के लिए। तब तक के लिए कार्तिक बाय 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 बाय।